नहीं दिख रहा बीजेपी कांग्रेस का जोर चुनाव से पहले। गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर लोकसभा सीट पर पहले चरण में मतदान होना है, लेकिन वैसी लहर अभी यहां नहीं चल रही जैसे 2014 में बीजेपी की चल रही थी। अब गाजियाबाद से भाजपा प्रत्याशी रिटायर्ड जनरल वीके सिंह और गौतम बुद्ध नगर से भाजपा प्रत्याशी महेश शर्मा, दोनों की जीत हार अंडर करंट पर ही टिकी है। राष्ट्रवाद का मुद्दा मतदाताओं के मन के भीतर ही भीतर कितना गहरा प्रभावी है, ये तो ऊपर से ही दिखाई नहीं दे रहा है। ये मुद्दा काम कर गया तो इन दोनों सांसदों की सांसदी बरकरार रहेगी, नहीं तो सत्ता छोड़कर इनको जाना पड़ सकता है अपने घर। सपा बसपा रालोद के जबरदस्त गठबंधन से उत्तर प्रदेश के अंदर लहर है और बहुत मजबूताई से गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर के अंदर सरकार बनती दिखाई दे रही है। गठबंधन से उनको बड़ी टक्कर मिलती दिखाई दे रही है, मतलब दोनों भाजपा प्रत्याशियों को अंतिम 48 घंटों में इड़ी चोटी का जोर लगाना होगा ताकि मतदान केंद्रों पे उनके नाम की कुछ वोटें पड़ सके, मतदाताओं के भीतर वह भी अपनी बात को पहुंचा सके। भाजपा प्रत्याशी उलट खराब के प्रत्याशी को उत्साह और कार्यकर्ताओं में भी जोश दिखाई नहीं दे रहा है जो 2014 में था। हो सकता है लोगों को बीजेपी के कार्यकाल से नाखुश दिखाई दे रहे हैं। वहीं गाजियाबाद से प्रत्याशी सुरेश बंसल, जो बंसलों का तो वोट ले रहे हैं, बनियों का उनको बहुत तादाद में वोट पड़ रहा है, वहीं एससी एसटी ओबीसी का भी वोट उनको बहुत बड़ी संख्या में पड़ रहा है, क्योंकि कैडराइज वोट होता है बसपा का और सपा का। दोनों ही बड़ी पार्टियों के महागठबंधन से गाजियाबाद की सत्ता पलट सकती है और गाजियाबाद में कहीं ज्यादा मजबूती दिखा रहे हैं सुरेश बंसल। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।